आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के रिजल्ट्स का डिस्कशन कर लेते हैं जो कि कल आने वाले हैं। तो हम देखेंगे इनके रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और चार्ट के माध्यम से इनका एनालिसिस करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, इनके दोस्तों रिजल्ट्स आने वाले हैं कल, तो यहाँ आज न्यूज में भी है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कल जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें जो HDFC लाइफ और हिंदुस्तान यूनिलीवर काफी जो दो बड़े स्टॉक्स है उनके आने वाले, और बाकी ये सब स्टॉक्स का आने वाला है जिसमें टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का भी नाम है। आइए अब हम एक स्क्रीनर के थ्रू इनका एनालिसिस कर लेते हैं। पीई स्टॉक का केवल 11.6 है, कोई दिक्कत नहीं। आरओसी 20%, आरओई 13% ठीक ठाक है। ओवरऑल आप इनका डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो कंपनी डिविडेंड ज्यादा देती नहीं है, 0% है, तो डिविडेंड की कोई उम्मीद आप मत रखिएगा। आइए अब हम इनके फंडामेंटल एनालिसिस कर ले तो यही देखिए लोगों ने लिखा है कि कंपनी के प्रॉफिट्स होती है बट डिविडेंड नहीं देती है। आरओई पिछले 3 सालों से उतना अच्छा नहीं चल रहा है और कंपनी के पास लाइबिलिटीज काफी है 3387 करोड़ की। पीयर कंपैरिजन करेंगे दोस्तों तो जी एंटरटेनमेंट का पीई 21 है, सारे गामा का 51 है, तो हिसाब से इनका पीई ठीक ठाक है और कंपनी प्रॉफिटेबल है जो कि एक अच्छी चीज है। अगर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट से पूछेंगे तो दोस्तों लास्ट टाइम इन्होंने 1155 करोड़ का बिजनेस किया था, तो अब की बार इनके अगर मैं पिछले 3 क्वार्टर्स को देखूं तो 1600 करोड़ के आसपास का बिजनेस दिखाना चाहिए कंपनी को, और प्रॉफिट्स भी कंपनी अगर 300 करोड़ के आसपास दिखाए तभी कुछ मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। तो 300 करोड़ के पास प्रॉफिट और 1600 करोड़ के आसपास का अगर इनका रेवेन्यू दिखाता है तो वहां पे हम थोड़ा अच्छा मान के चल सकते हैं कि इनके रिजल्ट है, तो ये अकॉर्डिंगली आप ट्राई कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों अगर मैं कंपनी का ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री देखूं सेल्स के टर्म्स में तो बीच में के यहाँ पे तो कंपनी ने 3-4 साल अच्छी ग्रोथ दिखाई थी, फिर डाउनफॉल हुआ था बहुत ज्यादा, फिर 2017 से 2019 में दोबारा 5000 करोड़ की सेल्स दिखाई कंपनी ने पूरे साल में, और पिछले 3-4 सालों से कंपनी कांस्टेंट चल रही है, हालांकि प्रॉफिट थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, तो काफी ऊपर नीचे रहता है कंपनी की आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस। चार्ट पे मैं देखूं दोस्तों तो बीच में कंपनी ने बहुत भयंकर राइज दिखाया था, ये देखिए कितने तेजी से यहां भागी थी कंपनी 40 रुपए से 80 रुपए, उसके भी डबल तेजी से कंपनी नीचे आई शेयर प्राइस में। तो यही होता है, प्राइस धीमे धीमे भागती है और जब गिरने लगती है तो एकदम से गिर जाती है, तो लोगों की एक एक डेढ़ डेढ़ साल की मेहनत इसीलिए कई बार खराब हो जाती है। तो अगर आप इसमें नई पोजिशन बनाते हैं ऑलरेडी है तो आप 35 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा, और पहला टारगेट रहेगा हमारा 44, और अगर 48 के ऊपर कंपनी ने ब्रेकआउट दिया तब फिर हम यहाँ 56 और 68 रुपीस तक के टारगेट्स को एम करके चलेंगे। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया स्पेशली टेलीग्राम पे फॉलो करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। अपने विचारों को भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।